हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमन। आज किस रूट पे ले जा रहे हैं गाड़ी आप? जा रहे हैं बंदी की तरफ। ट्रैफिक में लेके जा रहे हैं, भीड़ वाले एरिया में, क्योंकि टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और 11 बजे अच्छा खासा ट्रैफिक हो चुका है। तो आज मैं इनको ले जा रहा हूँ डिवाइडर रोड पे। कार को मैं इनको थर्ड और फोर्थ गियर में चलवाऊंगा और गाड़ी को टर्न करते वक्त सिग्नल देना, ये सारी जो छोटी छोटी होती है A to Z चीज़ें मैं आज बताऊंगा। अब यहाँ पे हल्की सी स्लोपिंग है और स्लोपिंग के टाइम क्या है ना कि हल्का सा हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि टर्न भी करना है। यहाँ पे आप फर्स्ट गियर कर लो चलते चलते, ताकि कार बंद ना हो। हाँ माई डियर, जो तरीका बताया था गियर लगाने का वो यूज़ करना, वरना फर्स्ट की जगह थर्ड में जाओगे। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, निकालो रिक्शे से आगे। हाँ अब हमें यहीं से लेफ्ट टर्न करना, लॉन्ग हॉर्न पुश करो। हाँ धीरे धीरे खिसकाओ, लेफ्ट रोक लो, स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो भाई। अब यहाँ चढ़, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, रुकिए। हाँ पहले हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच पीछे जाइए, हाफ क्लच। अब रेस लो, हल्का एक्सीलेटर लो, लेफ्ट टर्न करो फटाफट फटाफट, लेफ्ट टर्न करो। अब यहाँ पे गाड़ी आपकी एकदम चढ़ाई पे अटकी हुई थी, जरा सा भी गाड़ी अगर आपकी पीछे जाती तो पिछले वाले बंदे की गाड़ी में गाड़ी टकरा जाती। अब हल्का सा स्पीड मेंटेन करके क्लच दबा के सेकंड गियर करो। अरे मेरे भाई, गियर क्यों देखते हो? गियर क्यों, गलत आदत क्यों डाल रहे हो आप? क्यों गलत आदत डाल रहे हो? रात में क्या टॉर्च जला के गियर देखोगे? क्यों, मैं कुछ पूछ रहा हूँ? रात में क्या टॉर्च जला के एक बंदा बैठाना पड़ेगा आपको कि भाई लाइट दिखाओ तो मैं गियर डालूं? ये गलत हैबिट डाल रहे हो आप। गियर ब्लाइंड होता है, गियर को देखना नहीं होता है। बात समझने की कोशिश करो। फर्स्ट एंड सेकंड गियर का माइंड सेटअप आप बना लो पैटर्न, थर्ड और फोर्थ का, फिफ्थ और रिवर्स का। यहाँ से राइट टर्न करना है हमें। हर गियर की एक लिमिटेशन है, हर गियर का एक पैटर्न अलग है। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इतने दिन सीखने के बाद अगर आपको गियर के बारे में नहीं पता है तो फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही है आपकी। टर्निंग पे राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए था? और आप क्या कर रहे थे अभी? आपने क्या किया अभी टर्निंग पे, बताइए क्या किया है? एक्सीलेटर नहीं लिया, बट पैर चला। अरे लिया है, किसने बोला नहीं लिया है? 10% एक्सीलेटर लिया भाई, 10% लिया है। और ये तभी होता जब ब्रेक पे पैर लेके आते तब एक्सीलेटर। कभी पानी पे पैर रख के खड़े हो सकते हो? हो सकते हो। फिर जब हमें पता है कि एक्सीलेटर दब जाएगा तो एक्सीलेटर पे क्यों पैर रहता है भाई? टर्निंग के टाइम थोड़ा पेशेंस रखो ना अपने अंदर। स्कूटी नहीं है ना, बाइक चलानी आती है, तो बाइक और स्कूटी में क्या फर्क होता है बताएंगे आप? बहुत अंतर है। फिर अगर एक्सीलेटर पे पैर नहीं होता तो नहीं दबता। जब हम स्टीयरिंग टर्न कर रहे होते तो हमारी बॉडी हिलती, कहीं ना कहीं एक्सीलेटर दब जाता है। और बीच वाली लाइन में रखो, राइट वाली लाइन ओवरटेकिंग के लिए। अभी इंजन बोल रहा है थर्ड गियर डालो, इंजन साउंड कर रहा है देखो कितना ज्यादा। हाँ पहले क्लच को रिलीज करते हैं फिर एक्सीलेटर पे पैर ले। अरे भाई मेरे पैर भी नहीं ले जाते, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्सीलेटर दब रहा है नहीं दब रहा है। जब मैंने बोला पहले एक्सीलेटर लेना है या मतलब पहले क्लच को रिलीज करना है, क्या करना है? तो फिर आप तो क्लच रिलीज ही नहीं करते, एक्सीलेटर पे भाग जाते हो पहले से। भाई गाड़ी कोई 10 की स्पीड में चल रही, गाड़ी 30 से 40 की स्पीड में चल रही, तो क्या ही आपको एक्सीलेटर पे जाने की इतनी चुल्ल मची हुई है? हर जगह एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है डियर, हर जगह ब्रेक की नीड होती है। और गाड़ी अपनी बीच वाली लाइन में रखो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब क्लच दबा के फोर्थ गियर डालो, 40 क्रॉस कर चुके हो आप। और गियर बदलते वक्त राइट वाला हाथ 12 o'clock पे आना कंपलसरी। क्यों लेफ्ट वाली लाइन में कूद गए? क्यों भाई लेफ्ट वाली लाइन में आप क्यों कूद के गए? हाँ इन दोनों के बीच में चलना है, ये 3-line रोड है। राइट वाली लाइन ओवरटेकिंग के लिए होती है, और आप अगर 30-40 की स्पीड में चलना चाह रहे हो जिस लाइन में ये बाइक जा रही, इस लाइन से आपको बाहर नहीं जाना है, समझ गए? इस लाइन से बाहर नहीं जाना है। क्यों लाइन चेंज कर रहे हो? क्यों लाइन चेंज कर रहे हो भाई? हाँ तो क्यों टर्निंग है तो क्या हुआ भाई? लाइन है ना, उस अपनी लाइन में रखो। आपके पीछे से जो आ रहा होगा वो फिर वो कहाँ जाएगा जो आपसे ज्यादा तेजी से चल रहा है? आप वो 40-50-60 चल रहा है वो कहाँ जाएगा फिर? वो तो बिड़ा देगा ना फिर तुम्हारी गाड़ी में। लाइन नहीं मैच कर पा रहे हो,
कभी लेफ्ट वाली लाइन में कूद जा रहे हो, स्पीड का कोई मतलब ही नहीं भाई, तेज चलाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब हम उस दायरे में नहीं चल पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी हम संभाल ही नहीं पा रहे। सामने सियाज देख रहे हो 60 प्लस जा रही है, वैन देख रहे हो 50 प्लस जा रही है, 60 अराउंड जा रही है, तो हम राइट वाली लाइन में रखेंगे तो क्या होगा, लोग पीछे वाले हमें हॉर्न देकर डिस्टर्ब करेंगे, और बीच वाली लाइन में रखेंगे हमारी भी गाड़ी 50 अराउंड चल रही है तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये छोटी छोटी, अब यहाँ ब्रेक पे पैर ले जाओ, टर्निंग के टाइम तुम्हारा पैर ब्रेक पे नहीं आता है, ब्रेक पे पैर लाना, ब्रेक दबाना नहीं है, बट पैर जरूरी है आना, ताकि बाय मिस्टेक कहीं एक्सीलेटर ना दब जाए। ये टर्निंग पॉइंट है, देखो वो स्विफ्ट वाला उसी लाइन में लेके गया, बीच वाली लाइन में लेके गया ना, तुम्हारी गाड़ी लेफ्ट में कूद गई। गियर डाउन करो, थर्ड गियर करो चलते चलते, हाँ स्पीड कम करो, पहले स्पीड कम करते हैं भाई, गियर के साथ साथ स्पीड, अगर हम 40 की स्पीड में थर्ड गियर डाल रहे हैं तो हमें 10 की स्पीड ब्रेक लगा के कम करनी पड़ेगी। ये नहीं कि खाली गियर कम करने से स्पीड कम हो जाती, इंजन पे गियर बक्से पे बहुत लोड पड़ता है। आप 40 की स्पीड में क्लच दबा के थर्ड गियर आपने डाल के क्लच को रिलीज कर दिया तो भाई स्पीड तो 40 की है, आपको पहले ब्रेक से जब जिस वक्त गियर चेंज करे उस वक्त ब्रेक से पैर रख के स्पीड भी कम करना है। क्लच को रिलीज हम तब करते हैं जब वो स्पीड हम कम कर लेते हैं, उस गियर की स्पीड ले आते हैं। बहुत ज्यादा अलर्ट होके चलना होता भाई, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये समझ में आ रही है, जब किसी के बगल से अगर आप गाड़ी निकालते हो, ओवरटेक करते हो, तो जो ओवरटेक करता है उसको हॉर्न देना चाहिए या जो बगल में चल रहा है उसको देना चाहिए? हॉर्न लॉन्ग बजाना होता है बस, और ज्यादा नहीं, वन टाइम लॉन्ग हॉर्न बजा दो उसके बाद, क्योंकि हॉर्न गाली ही होती है, स्लो कर लो। लाइन में हो इसी लाइन में रखना, इससे बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि लोग यहाँ बहुत फास्ट चलते हैं, अगर आपने डिसबैलेंस किया ना तो फिर भिड़ जाएगी गाड़ी। राइट वाला पैर ब्रेक पे, हाँ चलने दो, सीधा जाना है हमें। राइट दबाओ, हाँ गुड। अब गियर डाउन करो माय डियर, आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा, अब हमको बताना ना पड़े। आप फिर वही कांड कर दिया तुमने, कर दिया फिर वही सेम कांड किया, नहीं किया, इतनी देर से तोते की तरह समझा रहा था कि भाई तो कहाँ कम किया, पता नहीं कौन से आपके चमड़े के जहाज डूबे पड़े हैं, दिमाग ही पता नहीं कहाँ चल रहा है, क्या समझा रहा हूँ, क्या सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। स्लो करो, पहले गियर में करो इसको चलते चलते, लेफ्ट आ जाओ भाई मेरे, जब गियर कम कर रहे हो तो आपको स्पीड भी तो कम करना, ऐसे गियर बक्से की वाट लग जाएगी, चेंज करो। छोटी छोटी बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, फर्स्ट डे से लेके आज तक हर आधे घंटे में तोते की तरह एक एक चीजें बताता हूँ, उसके बाद भी पता नहीं कौन से टाइटेनिक का जहाज डूबा पड़ा है जो इतना टेंशन में गाड़ी सीखते हो। अभी इंजन क्या कह रहा है, यस ये चीजें अपने आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि आज के बाद में आपके बगल में बैठने वाला नहीं हूं, ना कोई टोकने वाला है आपको कि कोई टोकेगा कि क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, गियर लगाओ। मुझे जितना सिखाना था भाई मैंने सिखा दिया, और मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन है, वहां पे 3 लाइन थी। अब राइट वाला जो आपका एरिया है वो है ओवरटेकिंग के लिए, राइट वाला ओवरटेकिंग के लिए, देखो वेन्यू निकल के गई,
तो वो जगह ओवरटेकिंग के लिए, और लेफ्ट वाला एरिया जो है वो है हमें जो हम स्लो चलना चाहते हैं, मान लो हम 50 माइनस चलना चाहते हैं तो हम लेफ्ट वाली लाइन में डाल लेंगे, अगर हमें 50 प्लस चलना है तो हम राइट वाली लाइन में डाल लेंगे। अभी डाउन हील आ रहा है बट गाड़ी आप 40 माइनस आराम से चला सकते हो। राइट वाला पैर ब्रेक पे लाने से एक बेनिफिट ये होता है ना कि हमारी स्पीड अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाती है, और ये हम 50 मीटर 100 मीटर पहले प्लान कर सकते हैं। कितना 40-50 मीटर पहले हम पहले से प्लान कर सकते हैं। ब्रेक पे पैर, हाँ गुड, थोड़ा डाउन ही लेना यहाँ पे, हल्का सा ब्रेक से गाड़ी को धीमा कर सकते हो। गाड़ी आपकी 40 के आसपास चल रही है, आप 10 की स्पीड बिना क्लच के कम कर सकते हो, वो ओनली ब्रेक से। फर्स्ट और सेकंड गियर में अगर आपको 10% भी ब्रेक लेना है तो हाफ क्लच दबाना कंपलसरी है, और थर्ड और फोर्थ गियर में अगर आपको 10-20% ब्रेक लेना है तो आपको क्लच की नीड नहीं है, क्योंकि स्पीड वहाँ पे आपकी लिमिटेड है। अब आगे 200 मीटर आगे जाके, 300 मीटर जाके आगे से हमें यू टर्न मारना है। क्या मारना है? यू टर्न मार के इसी रोड पे आना है। यू टर्न मारने के लिए कुछ प्रोसीजर है, पहले से प्लानिंग करनी होती है। टर्निंग से 200 मीटर 100 मीटर क्योंकि जिस रोड पे आप चल रहे हो ये बाईपास है, यहाँ पे गाड़ियाँ 150 फास्ट चल रही हैं। अब राइट का आप सिग्नल दे दो, हाँ फिर वही गलती कर दी मेरे भाई आपने, फिर स्पीड कम नहीं करी, क्लच को रिलीज कर दिया, बार बार आप सेम गलती कर रहे हो, फिर आपको गियर बदलने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, गियर चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है क्योंकि गियर का आप महत्व ही नहीं समझ पा रहे हो। स्लो कर लो और स्लो राइट ही रखो ना मेरे भाई, लेफ्ट क्यों ले जा रहे हो जब राइट जाना है, राइट जाना तो टर्न करने के लिए। हाँ तो बहुत लहरा दी थी ना गाड़ी, सीधी करो धीरे धीरे मिरर में देख के। हाँ लेफ्ट का सिग्नल देके धीरे धीरे लेफ्ट लेफ्ट की तरफ आ जाओ, लेफ्ट का सिग्नल देके, बिना सिग्नल के ना राइट जाना और ना लेफ्ट आना, ये चीज दिलो दिमाग में बैठा लो। अभी स्पीड मेंटेन कर लो, अब सिग्नल बंद कर दो, स्पीड मेंटेन करो, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो मिड में, आ जाओ, चलो बढ़ाओ स्पीड। हर गियर की एक लिमिटेशन है, इंजन साउंड खींचना नहीं चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।